हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो के नीचे आने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए और उसके बाद बगल में आने वाले घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लाज़ो पैंट की बॉटम का एक नया डिज़ाइन बनाना। तो इसके लिए हमारे को जितनी टोटल लेंथ हमें चाहिए उसे मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास पूरा कपड़ा नहीं था तो मैंने यहाँ पर जोड़ भी लगा लिया है ये। तो आप भी अपने प्लेन प्लाज़ो को इस तरीके से डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइड स्टिच लगा लेनी है फ्रंट और बैक को मिलाकर। तो स्टिच मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने साइड में स्टिच लगा ली है फ्रंट बैक को मिलाकर। अब ये जो स्टिच हमने की है लेंथ में जहाँ पर जोड़ लगाने के लिए कपड़े को एक्स्ट्रा, तो इस पर हम सबसे पहले हाफ इंच की सिलाई करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, हमने जहाँ पर जोड़ लगाया था ठीक वहीं पर से हमें कपड़े को फोल्ड कर लिया और फोल्ड साइड से हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई कर रहे हैं। जो हम स्टिच लगा रहे हैं वो हर जगह से एकदम बराबर होनी चाहिए, सीधी स्टिच होनी चाहिए, हाफ इंच का ही गैप होना चाहिए। तो ये देखिए, हमने हाफ इंच के गैप पर पहला स्टिच लगा लिया है। अब देखिए, इसको यूं नीचे की तरफ आप करके देख लीजिए और जहाँ तक पर हमने स्टिच लगाई है वहाँ से आप 1 इंच नीचे की तरफ जाइए, ये देखिए, और 1 इंच पर कपड़े को मोड़ लीजिए। अब हमें फिर से हाफ इंच की सिलाई लगा लेनी है कपड़े को फोल्ड करके। यहाँ पर मैं चौक से निशान नहीं लगा रही हूँ, सीधा स्टिच कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान में देना है कि देखिए, जो हमने लास्ट सिलाई की थी वहाँ से हमें 1 इंच कपड़े को फोल्ड करने लगा है और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेनी है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो ये हम टक्स कहते हैं इन्हें। टक्स बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं, कम चौड़े भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं, तो इन्हें हम टक्स कहते हैं। तो ये हमने 2 स्टिच लगा ली। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस डिज़ाइन को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, हमने 2 टक्स तो डाल लिए हैं। अब हमें फिर से देखिए, जो हमने जोड़ लगाया था बॉटम में, उस बॉटम से 3 टक्स हमें ऊपर की साइड डालने हैं और बाकी के टक्स नीचे की साइड डालने हैं। यहाँ पर मैंने कुल 7 टक्स डाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी मैंने 1 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है और हाफ इंच पर मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो जितने भी हमें टक्स यहाँ पर डालने हैं सबका हमें हाफ हाफ इंच की ही स्टिच लगानी है। तो ये देखिए, हम जहाँ से हमने लास्ट से स्टिच लगाई थी वहीं से ही हमें 1 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच की स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर मुझे टोटल जितनी लेंथ तैयार चाहिए उससे मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो 3 टक्स तो हमारे बन गए हैं। हम फिर से देखिए, 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं।
एक इंच पे मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया और हाफ इंच के मैं स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं चौक से निशान नहीं लगा रही हूँ बल्कि अंदाजे से स्टिच लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। बनके ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप प्लाजो की बॉटम के और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब देखिए फिर से हमने एक और टक्स डालना है, तो टोटल हमने 7 टक्स डालने हैं। अगर आपके पास कोई प्लेन प्लाजो है और आप डिज़ाइनर बॉटम उसका बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के। तो देखिए इसी तरीके से हमें नेक्स्ट टक्स भी डाल लेना है। यहाँ पर मैं जो इस प्लाजो की जो टोटल तैयार लेंथ चाहिए वो 37 इंच चाहिए। तो आप एक बार हम इसको चेक कर लेंगे कि 37 तक कितने टक्स आएंगे। तो देखिए नीचे से हमने इतना छोड़ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 7 टक्स डाल दिए हैं। अब हम मेजरिंग टेप से नाप लेंगे कि हमें जितनी लेंथ तैयार चाहिए। तो देखिए हमें 37 इंच लेंथ तैयार चाहिए। तो ये बॉटम का जो कपड़ा है इसे हम रॉन्ग साइड की ओर फोल्ड करके टर्निंग, इस जो ये टर्निंग है इसे रॉन्ग साइड की ओर फोल्ड करके हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे हाथ से। तो मैं ये तुरपाई आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बॉटम में फिनिशिंग कर ली है। अब मेरे पास ये मोती है तो सबसे पहले मैं ये साइड पर एक एक टक्स के ऊपर लगा रही हूँ। अब देखिए इसका हमने हाफ कर लेना है। ये बैक पार्ट है तो इस पे मैंने निशान लगा लिया हाफ पे, ठीक है। अब हमें इनका रुख ऊपर की साइड करके ये मोती लगा लेने हैं। तो इन्हें डायमंड टक्स कहते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस साइड में हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्रंट का भी सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर भी टक्स का रुख ऊपर की ओर करके मोती लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हमें फ्रंट के सेंटर को निकाल के इन टक्स का रुख ऊपर की ओर कर लेना है। और यहाँ पर मोती लगा लेने हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ ऊपर की साइड है, नीचे फिर यहाँ ऊपर है,
तो इन टक्स का रुख हम नीचे की ओर करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, और एक ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी टक्स का रुख नीचे की ओर करके स्टिच लगा लेंगे और यूँ फ्रंट और बैक को आपस में मिलाकर गिदरी की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने गिदरी की सिलाई भी कर ली है। अब हमें इस स्टिच के ऊपर भी मोती लगा लेने हैं। तो ये देखिए बॉटम बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप प्लाज़ो की बॉटम के और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।